अद्भुत तेजस्वी। बिना पढ़े लिखे इस आदमी को इतना ज्ञान आ गया कि काम के बदले जमीन कैसे लेना है, काम के बदले पैसा कैसे लेना है, संपत्ति कैसे बनानी है, और अब नया तेजस्वी निकल रहा है सत्ता में अपने आप को स्थापित कैसे करना है, क्योंकि मैंने बोला ना अल्फा मेल बूढ़ा हो गया। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में 40 लोकसभा सीट पर एनडीए की मजबूती के साथ तैयारी चल रही है। वहीं बता दें कि महागठबंधन भी कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। हालांकि लोकसभा एक तरफ चुनाव है तो दूसरी तरफ वार प्रत्यावार का दौर भी शुरू है। इसी क्रम में बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक ने तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला है। अजय आलोक ने आरोप लगाते हुए कहा है कि जिस तरह से तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झूठा बतला रहे हैं तो दूसरी तरफ नौकरी देने का दावा भी कर रहे हैं। हालांकि पहले वह यह बताएं कि उनके जो पिताजी थे वह नौकरी देने के बदले जो जमीन उन्होंने लिखवाए हैं, क्या ये सब झूठ है? यही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि जो नौकरी देने का दावा तेजस्वी यादव कर रहे हैं वह शायद भूल रहे हैं कि वह एनडीए के सरकार में ही जो है वह सारी प्रक्रिया शुरू की जा रही थी। आगे क्या कुछ उन्होंने कटाक्ष करते हुए तेजस्वी यादव पर कहा है, छोड़े जाते उन तमाम मीडिया के हमारे मित्रों, हमारे मीडिया प्रभारी यहाँ पे बिहार के रिजवान जी, आप लोग का उम्मीद है मैं कि मीडिया सेंटर में आप लोग का अच्छे से मनोरंजन हो रहा होगा चुनाव के दौरान, क्योंकि चुनाव के दौरान इतने जोकर यहाँ पे पैदा हो गए हैं इस बिहार में कि आपको रोज़ दिन मनोरंजन मिलेगा। आज की प्रेस वार्ता हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि राष्ट्रीय जंगल दल अपने आप को राष्ट्रीय जनता दल कहते हैं, लेकिन राष्ट्रीय जंगल दल के अल्फा मेल जो हैं वो बूढ़े हो गए, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, तो हम उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं, उम्मीद करते हैं कि वो स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें। लेकिन अल्फा मेल थे, वो सारी कमावत उन्हीं के हाथ में थी, तो अल्फा मेल जब बूढ़ा हो गया तो वहाँ परिस्थितियों में जंग हो गई है थोड़ी सी। तेज प्रताप कभी कहते हैं कि हम सारण से लड़ेंगे, लेकिन चली जाती हैं बहन लड़ने के लिए। तेजस्वी यादव इधर से उधर घूमते रहते हैं और यहां टिकट बांटने में भी आजकल बड़ा चीनी का चक्कर चल रहा है। तो हमारी तेजस्वी यादव को एक सलाह है कि चीनी ज्यादा मत चाटिए, ज्यादा चीनी चाटिएगा तो डायबिटीज हो जाएगी। घर में बहुत लोगों को डायबिटीज है तो स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, तो चीनी चाटना बंद करें। जैसे औरंगाबाद, बगहा, मधुबनी, हर जगह चीनी चट रही है आजकल बिहार में। कल तेजस्वी यादव ने बहुत प्यार से कहा कि हम पे भ्रष्टाचार का मुकदमा तब किया गया जब हमको तो निमोच, हमको मोच भी नहीं था और हम विराट कोहली के साथ क्रिकेट खेलते थे। भाई साहब, आप विराट कोहली के साथ क्रिकेट नहीं खेलते थे, आप विराट कोहली और बाकी दिल्ली टीम के लिए पानी ढोते थे। लोकतंत्र में किसी का पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। आप भारत के नागरिक हैं तो आप नेता भी बन सकते हैं, वोटर भी बन सकते हैं। लेकिन चूंकि बिहार और राष्ट्र उम्मीद करता है कि उसका नेता सुसज्जित विचारों से सज्जित हो, एक पढ़ा लिखा हो जिसमें एक दृष्टि हो, एक विजन हो, और ऐसे नेता जब लोकतंत्र में आते हैं तो ऐसे ऐसे लोकतंत्र की महिमा बढ़ती है। प्रकाश नारायण से लेकर कर्पूरी ठाकुर से लेकर नीतीश कुमार जो खुद इंजीनियर हैं से लेकर सुशील मोदी से लेके एक से एक विद्वान नेता देखे हैं, लेकिन हमारे लिए बहुत शर्म की बात है कि हमारा नेता प्रतिपक्ष 9वीं फेल है। मौका मिलने पे भी 10वीं 12वीं नहीं किया और बात करते हैं कि गारंटी हम देते हैं, रोजगार हम देंगे। बड़ा गारंटी है इनका, अद्भुत गारंटी। ये ऐसे रोजगार देते हैं कि रोजगार के बदले में जमीन ही ले लेते हैं। जाइए रोजगार लेने, आपको जमीन मिल जाएगी। कुछ कुछ फैक्ट्स हैं मित्रों, मैं रखना चाहता हूं कि 29 साल की उम्र में इसी तेजस्वी यादव ने 5 मकान, 47 जमीन सहित कुल 52 संपत्ति के मालिक बन गए 29 साल की उम्र में। 3 साल की उम्र में जब चलना भी नहीं आया था तो इनके नाम से पिताजी और माताजी जमीन रजिस्ट्री करवा देते थे। इन्हीं के पार्टी के कांति सिंह, इन्हीं के पार्टी के चौधरी तमाम लोगों की जमीनें और मकान ये ले चुके हैं। कहां से आया इतनी संपत्ति? ईडी ने जो इनकी संपत्ति जब्त की थी उसकी लिस्ट ये है, प्रॉपर्टी डिटेल्स ऑफ तेजस्वी यादव। अब ये भी गलत है, ऑफिशियल रिकॉर्ड में है ये, और उसके बाद ये आदमी कहता है कि हम मुझे फंसाया जा रहा है। आप लोग के पास कितनी जगह देखिए तो जरा,
10 कट्ठा 17 धूर फुलवारिया गोपालगंज, उसके बाद 16 कट्ठा, उसके बाद फुलवारी शरीफ में 8 कट्ठा, 1 बीघा फुलवारी शरीफ, 1 बीघा पटना फुलवारी शरीफ, इतनी जमीन है। और तेजस्वी यादव मतलब पूरा का पूरा खानदान चोरी के आकंठ में डूबा हुआ है और गारंटी देता है यहाँ पे नौकरी और रोजगार की। कौन सा रोजगार आपने दिया है? अरे आपने तो मंगरू यादव तक को नहीं छोड़ा। मंगरू को जमीन दी रेलवे में आपके पिताजी ने, तो उससे भी जमीन ले ली। आज भी मंगरू कहता है कि हमारी जमीन दे दो। बिहार को मजाक का विषय बना दिया है इस लालू परिवार ने पिछले 30 वर्षों से। आज जब हम बात करते हैं, प्रधानमंत्री बात करते हैं गारंटी की, तो उसमें एक आदमी उठ के आता कहता है गारंटी नहीं, हमारा चाइनीज माल है प्रधानमंत्री। शर्म नहीं आती? चाइना के साथ इनके इंडी गठबंधन के चोर, जब गलवान में लड़ाई चल रही थी तो चाइनीज एम्बेसडर के साथ राहुल गांधी डिनर कर रहे थे, और चाइनीज माल हो गए प्रधानमंत्री, घुस के चाइनीज को मारा हमने, हमारे 20 जवानों की शहादत हुई, उनके 50 जवानों की शहादत हुई, और ये मजाक उड़ाते हैं। इसी इंडी गठबंधन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के खड़गे कहते हैं कि 370 का क्या मतलब है राजस्थान में बोलने का। आप मुझे बताइए मीडिया के दोस्तों, बिहार के कम से कम 100 से ज्यादा जवान, हमारे अपने जवान शहीद हो चुके हैं उसी 370 के कारण कश्मीर की धरती पर, तो बिहार के लोगों का 370 से मतलब नहीं है। ना ये राष्ट्र समझते हैं, ना ये प्रदेश समझते हैं, इनके लिए सिर्फ एक मतलब है, भ्रष्टाचार करो, सत्ता में रहो, पैसा बनाए रखो। बना लिया है टोटल, एक भ्रष्टाचारी जेल जाता है, बाकी भ्रष्टाचारी उसके पीछे पैं करने शुरू कर देते हैं। आपके माध्यम से आज मैंने ये सब इसलिए दिखाया है क्योंकि इस आदमी तेजस्वी यादव अद्भुत तेजस्वी है। बिना पढ़े लिखे इस आदमी को इतना ज्ञान आ गया कि काम के बदले जमीन कैसे लेना है, काम के बदले पैसा कैसे लेना है, संपत्ति कैसे बनानी है, और अब नया तेजस्वी निकल रहा है सत्ता में अपने आप को स्थापित कैसे करना है। क्योंकि मैंने बोला ना, अल्फा मेल बूढ़ा हो गया है, तो अल्फा मेल के बूढ़ा होने से ग्रुप में बहुत झंझट होती है, तो उस झंझट में अपने आप को स्थापित करने की रेस लगी हुई है। कोई किसी का नहीं है, इनको बिहार से ना मतलब है, ना इनको देश से मतलब है, लेकिन आपके माध्यम से जनता के पास ये जाना चाहिए कि जो कहते थे कि जब मैं नीमुछिया था तब इतनी संपत्ति है, तो भैया नीमुछिया के पास इतनी संपत्ति कहाँ गई जो आज ईडी ने जब्त की हुई है? किसकी संपत्ति है जवाब देंगे? पटना का ही वो मॉल आप सबने देखा है, मॉल के बेसमेंट के लिए जमीन खुदाई गई और उसके मिट्टी को डाल दिया गया जू में, 1 करोड़ वहां से भी खा लिया। मंत्री थे इनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव। इनोवेशन है करप्शन का, आइडिया निकाल निकाल के चोरी करते हैं। तो ऐसे चोरों के परिवार को बिहार की जनता को जानना बहुत जरूरी है कि आकंठ भ्रष्टाचार में ऊपर से नीचे तक डूबे हुए व्यक्ति न बिहार का भला कर सकते हैं, न देश का भला कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव इनके लिए सिर्फ पैसा अर्जित करने का जरिया बन गया है। चीनी चाट रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि चीनी कम चाटेंगे तो डायबिटीज हो जाएगा। धन्यवाद।